हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी एफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट इज इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी क्या होती है और टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। व्हाट इज इमरजेंसी? एन इमरजेंसी इज अ डेंजरस सिचुएशन दैट कम्स अनएक्सपेक्टेडली एंड मस्ट बी डेल्ट विथ इमीडिएटली। इमरजेंसी एक खतरनाक स्थिति है जो अचानक रूप से आती है और इससे तुरंत निपटा जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि कहीं भी आग लग जाता है तो वो एक इमरजेंसी है, या फिर कहीं गैस लीकेज हो जाता है तो वो भी एक इमरजेंसी है। अगर आग लगेगा तो बहुत सारा हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज होगा, कोई पर्सन इंजर्ड होगा, कोई पर्सन जल सकता है, या तो अगर कोई गैस लीकेज होगा तो उससे भी बहुत सारे आदमी को इफेक्ट होगा, तो वो एक इमरजेंसी है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के मेनली दो टाइप होते हैं, ऑन साइट इमरजेंसी और दूसरा होता है ऑफ साइट इमरजेंसी। तो ऑन साइट इमरजेंसी क्या होता है? इट्स इफेक्ट्स इनसाइड द फैक्ट्री, यानी कि फैक्ट्री के अंदर इसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक ऐसी इमरजेंसी जिससे केवल फैक्ट्री के अंदर ही उसका प्रभाव पड़ा है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर ही क्षति हुई है, तो वो ऑन साइट इमरजेंसी होती है। जैसे आग लगा किसी फैक्ट्री में, किसी प्लांट में आग लगा और वो आग से प्लांट के अंदर ही प्रॉपर्टी डैमेज हुई या फिर कोई आदमी डैमेज हुआ, तो वो ऑन साइट इमरजेंसी होती है। तो नेक्स्ट है ऑफ साइट इमरजेंसी, इट्स इफेक्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द फैक्ट्री, यानी कि इसका प्रभाव फैक्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह पड़ता है। जैसे गैस लीकेज हुआ किसी भी प्लांट में, किसी भी फैक्ट्री में गैस लीकेज हुआ और प्लांट के अंदर जो आदमी है उसको इफेक्ट हुआ उससे, और बाहर भी, प्लांट के बाहर भी आदमी को इफेक्ट हुआ, तो वो ऑफ साइट इमरजेंसी होता है। या फिर अगर आग लगा फैक्ट्री के अंदर और वो आग बाहर भी इफेक्ट कर रहा है, बाहर भी वो आग फैल गया, तो वो भी ऑफ साइट इमरजेंसी होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।